विधानसभा। ब्रिटिश कालीन जो वन व्यवस्था किस तरीके से हावी है उस उन गांव के ऊपर, तमाम अधिकारों को कैसे निलंबित किया जा रहा है, पूरे अभ्यारण के अंदर आज जो स्थिति है राजीव जी, उसके अलावा इस संशोधन से क्या स्थिति होगी छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में पूरे जंगल की व्यवस्था पर? एक तरफ से देखें, सरकार ने जरूर ऐतिहासिक भूल महसूस करके यह कानून बनाई, लेकिन अब वो जो है उनकी मंशा नहीं है ये इस कानून को आदिवासियों के तहत उनको मिले करके। वन विभाग और सरकार की ही मंशा नहीं है कि आदिवासियों को ये जंगल दिया जाए। एक तो जंगल को सबसे पहले वो तो आदिवासियों ने ही बचा के रखे थे, और आपको पता होगा कि आज के बड़े बड़े ड्यूफो रेंजर और हमने वन मंत्री का भी एक बयान था कि जहां जंगल है वहाँ आदिवासी हैं और जंगल को बचा के रखे हैं, और वन विभाग ने ही जंगलों को बर्बाद किए हैं, कहाँ पे कटाई को लेके और उनको क्या बोलते हैं वन का सौंदर्यीकरण को लेके, वन का नया निर्माण को लेके जितना बर्बादी जो है वन विभाग द्वारा किया गया है, और आज वो उस जंगल को जो आदिवासी रखते आए हैं, और आज इसमें ये जो कानून 1927 का जो अंग्रेजों के द्वारा जिस कानून को बनाया गया उस कानून को फिर से ला के वन विभाग के हाथ में बंदूक डाल के आज महिलाओं के साथ में क्या सबके साथ में यह अन्याय होगा, क्योंकि वनों से ही उनकी जिंदगी चलती है, वो लकड़ी से लेके आएंगे, वनों ऊपर से लेके आएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ में ये जो है खूनी आतंक खेलने का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो इसको हम पुनः विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि ये जो निरस्त किया जाए इस पे, और जो सरकार की जो 2006 की जो मान्यता कानून है अभी भी लोगों को प्राप्त हुआ है, नहीं दिया गया है, सामुदायिक और व्यक्तिगत लोगों को नहीं मिला है, उसको पुनः फिर से दिया जाए, और हम ये चाहते हैं कि पूरे जंगल में आदिवासियों का जो हक मिलना चाहिए, क्योंकि वनों से उनकी जिंदगी चलती है।